अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन की सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से अपने क्रिएट किए हुए पैटर्न को मैच कर सकते हैं अपने गिवन स्ट्रिंग के साथ। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट आरई। इसे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है। तो इस तरह से आप अपनी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर सकते हैं अपनी पाइथन फाइल में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न किस तरह से क्रिएट किया जाता है। पैटर्न को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे पैटर्न नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आर डबल स्ट्रिंग। अब डबल स्ट्रिंग आप यहाँ पे यूज करें या सिंगल स्ट्रिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मैंने यहाँ पे आर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स है। अगर आप आर का यूज ना भी करें तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे आर का यूज करें। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट नहीं किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप पैटर्न किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नेम के लिए पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, उसकी हेल्प से मैं पता करूंगा कि मेरा पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है। अब इस हिसाब से आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है कैपिटल। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखूंगा जो मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट आपका मैंडेटरी है, कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। तो इससे ये होगा कि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है नेम का वो कैपिटल होगा। इसके बाद आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, स्मॉल में आ रहे हैं हमारे पास आर एस ए एल ए एन, तो ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में आप मैंडेटरी कैरेक्टर्स या डिजिट्स या सिंबल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। तो इतना पैटर्न हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब इसको क्या करते हैं, बिगनिंग में चेक कर रहे हैं भाई हमारा जो पैटर्न है वो बिगनिंग में हमारे पास होना चाहिए कैपिटल ए टू जेड। इसमें से कोई भी करेक्टर आ जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैपिटल होना जरूरी है। तो इसलिए हमने सिंबल लगाया है ये वाला। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी करेक्टर्स आ जाए लेकिन स्मॉल होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे स्टेरिक लगाना है। स्टेरिक लगाने के बाद आपने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा देना है। तो इस तरह से आपका पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो अब ये जो पैटर्न आपने क्रिएट किया है ये यूज होगा सिर्फ नेम के लिए। अब मैं आपको इसे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। प्रिंट, अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का जो फंक्शन होता है मैच फंक्शन, तो उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उसका यूज करने के लिए लाइब्रेरी को कॉल करेंगे आरई डॉट मैच। तो इस तरह से आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने के बाद मैच फंक्शन में बेसिकली थ्री आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। उनमें से जो फ्लैग वाला आर्ग्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं होता। इसके अलावा आपके पास जो स्ट्रिंग और पैटर्न का आर्ग्यूमेंट है वो मैंडेटरी है। तो इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो पास करेंगे पैटर्न। ठीक है, जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है तो उसके हिसाब से ये चेक करेगा हमारे स्ट्रिंग को। तो ये हमारे स्ट्रिंग को चेक करेगा और ये हमें बता देगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो मैच हो रहा है पैटर्न से या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 7 तक
आपका जो भी स्ट्रिंग है वो मैच हो रहा है आपके पैटर्न के साथ। अगर मैं यहाँ पे अरसलान के साथ मैं कुछ डिजिट यूज कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें इसने नन रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उसमें डिजिट की हमने कोई बात नहीं की, इस वजह से इसने हमें नन रिटर्न किया है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अगर यहाँ पे स्पेस भी आप लिखते हैं तो भी आपको ये नन रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें हमने स्पेस के लिए भी कोई बात नहीं की। तो इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जीमेल के लिए किस तरह से पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने पैटर्न क्रिएट करना है। तो पैटर्न क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जीमेल की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ arslan@gmail.com, ठीक है, तो ये हमारे पास जीमेल है। अब हम नोटिस करेंगे हमारे जीमेल के पैटर्न को और उस हिसाब से हम एक पैटर्न को क्रिएट करेंगे। तो पैटर्न को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, स्मॉल लेटर्स में अल्फाबेट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर्स नहीं है। तो बिगनिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए, A to Z कोई भी अल्फाबेट्स होने चाहिए। यहाँ तक हमारा जो पैटर्न है वो मैच कर गया है। इसके बाद प्लस का साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है @gmail.com, फिर यहाँ पे स्टेरिक लगाना होगा आपको और डॉलर का साइन। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। रन करने से पहले हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया था कि इस सिंबल का मतलब ये होता है, ये चेक करता है कि बिगनिंग में आपके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या डिजिट्स हैं, वो सब यहाँ पे ये चेक करता है। तो बिगनिंग में आपके पास स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, इसके बाद आपने प्लस का साइन लगाया है, प्लस के साइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा है @gmail.com, तो वो यहाँ पे मैच हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने लगाया है स्टेरिक और डॉलर, ये एंडिंग चेक करता है डॉलर साइन। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 17, मतलब 0 index to 17 यहाँ पे मैच हो चुके हैं। अगर अरसलान के साथ मैं यहाँ पे डिजिट लिख दूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, इसने नन रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिजिट की कोई बात नहीं की। तो इसके साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to 9, कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख लें, ना लिखना चाहें तो भी इस कोई बात नहीं है, ये पैटर्न को मैच कर देगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में अलग से लिखते हैं तो वो मैंडेटरी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 4, अब मैं 3 to 4 को हटा देता हूँ, देन मैं इसे रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने फिर से हमें मैच करके दे दिया है। अब वो जो मैंने मैंडेटरी वाली बात की थी वो क्या है वो देखते हैं। तो मैंने 0 to 9 यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, प्लस के बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ पे लिख देना है 0 to 9। अब ये डिजिट जो हमारे पास आ गए हैं 0 to 9 के दरमियान में जो भी डिजिट आता है वो मैंडेटरी होगा यूजर के लिए अपनी जीमेल में लगाने के लिए। तो मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ, देखें इसने नन रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट अप्लाई नहीं किया अभी तक। तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, देन इसे रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 to 18, तो ये स्ट्रिंग आपका मैच हो चुका है पैटर्न के साथ। लेकिन जीमेल में कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप डिजिट लगाएं या ना लगाएं, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मैंडेटरी ना करते हुए मैं इसे अल्फाबेट्स के साथ जोड़ दूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 to 9, देन इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होगा, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं आएगा। अब देखें कोई भी एरर नहीं आया। तो इस तरह से आप अपने जीमेल के लिए भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा
कि किस तरह से पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम अपने पैटर्न को मैच कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के साथ। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी, समझ आई है और इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।